हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल प्रभा फैशन। फ्रेंड्स, आज आम हाफ कलर नेक ब्लाउज रो कटिंग करवा। चल तो मेजरमेंट गुड़िक जाणीनवा। लेंथ आमर 13, शोल्डर होची 14, अपर चेस्ट 36, आउ फुल चेस्ट होची 38, आउ कमर होची 31। यही मापरे आम ब्लाउज रो कटिंग करवा। ये आम ब्लाउज पीस अच्छे, ये गोटे मीटर अच्छी। फास्ट कपड़ाटा खोली दबा आर सीधा ओल्टा देखिबे। यहाँ हूँ ओल्टा पट, भितरटा हूँ सीधा पट। कपड़ा को प्रथम टू फोल्ड करवा। तार चौड़ाटा नवा, छाती जीक थी तार चार भाग एक भाग नवा, आ प्लस देढ़ इंच नवा। आमर छाती हूँ 36, 36 की चार भाग एक भाग ने 9 इंच आम कौन कर 2 इंच कि देढ़ इंच प्लस करा। देढ़ इंच प्लस कले 10.5 हम, लेकिन 2 इंच प्लस अधिका ने 11 इंच नाक पड़ो। तेणुक मुझे 1.5 इंच ने कपड़ा चौड़ाटा टे कमेदबा, मापी दबा 10.5 अच्छी, 10.5 रु आ 2 सूत खंडे अधिका नवा। कपड़ा टू फोल्ड करदे मो आड़ रखी बंधा सैड, एपट रखी खोला सैड। फास्ट कपड़ा बंका अच्छी सीधा करने गोटे गार टाणी दबा। आमर लंब हो 13, आम बैक साइड कटिंग करवा। 13 आम कौन करवा लंबरे कौन कर गोटे इंच प्लस करवा, आम 14 इंच नवा। 14 इंच है लंब है ये कौन कर गोटे मार्क देद, आ गोटे भी मार्क देद 14 इंच कौन कर सीधा भाव गोटे गार टाणी दबा। आमर शोल्डर हूँ 14 हूँ आम जेहेतु हाफ कलर करवा, तेणुक आम शोल्डर जीक थी तार 2 भाग रु गोटे भाग नवा। तेणुक आम कौन करवा 7 इंच मार्क दवा, आगे गार टाणी पड़ो 7 इंच गोटे मार्क दबा। कौन कर हाथर गोलई नवा, आम जी अच्छी आम नहीं शोल्डर तार हाफ इंच कम करके नवा। 6.5 गोटे मार्क दवा, ये जो मार्क अनुसार ये गोटे मार्क एमती मापी दबा 7 इंच कौटी हो 7 इंच हो मार्क देद। एमती आम देखीद 6.5 हो कि नहीं, आम हाथर गोल ना 6.5 जी शोल्डर नहीं था ताठ हाफ इंच कम करके ने पॉइंट को ए पॉइंट आम जोड़ीद। तापर आम नवा चेस्ट, चेस्ट हूँ 36, 36 रु 4 भाग रु 1 भाग ने 9 इंच ये टेप पकईद 9 इंच 9 इंच आम लुजिंग कि हाफ इंच नवा। हाफ इंच नहीं पारे ना 2 सूत भी ने चलो, मैं हाफ इंच नी तापर आउ 1.5 इंच नवा। पूरा करेक्ट 1.5 इंच रही, पूरा सीधा गार टाणी दबा, सीधा गार टाणी दे मोर छाती नहीं गले। तापर कौन करना कमर नवा, कमर आमर हूँ 31, 31 को 4 भाग रु 1 भाग नवा। 4 भाग रु 1 भाग ने आमर नवा 7.5, 7.5 नवा, 7.5 जेहेतु 31 अच्छी 7.5 आ 2 सूत नवा, 2 सूत ना 2 सूत नवा 7.5 2 सूत। तादेह कौन कर प्लीट पाई गोटे इंच प्लस कर, प्लीट पाई गोटे इंच प्लस कले आम हम 8.5 2 सूत ये गोटे मार्क दबा 8.5 2 सूत गोटे मार्क दे। तापर कौन करवा आम 1.5 इंच अधिका नवा सिलई मार्जिन और कटिंग मार्जिन पाई 1.5 इंच अधिका नवा। एबे कौन करे ए पॉइंट को ए पॉइंट जोड़ दबा, ए पॉइंट को ए पॉइंट जोड़ दबा। हम कमर पाई गार टाणी देले। एबे कौन करवा काखर सेप दबा, काखर सेप दबा कहले प्रथम कौन करिया पूरा मिसेकी जस्ट एन मिसेकी दे दबा। ये काखर सेप देले एबे कौन करिया एठी गळार माप नबा चौड़ाटा 1.5 इंच, 1.5 इंच नवा। 1.5 इंच रु आम कौन कर गोटे इंच आर अधिका नवा, पूरा सीधा भाव गोटे इंच नवा। जेहेतु आम हाफ कलर करते तेणुक बैक साइड आम कौन कर गोटे इंच अधिका नवा, अधिका नहीं कि ये जो गोटे इंच बढ़ला तो कमी सेव करदे।
बेकर सेप देदेले एटी कौन करिया हाफ इंच डाउन करिया जस्ट हाफ इंच डाउन करिया डाउन कर देले एबे कौन करिया प्लीट पकेबा प्लीट कौन करिया 4 इंच छाड़ी के गोटे मार्क दबा मार्क दे के लंब भाव रे 4 इंच रे मार्क दबा सीधा कर देले एफटे कौन करिया हाफ इंच गोटे मार्क दबा एपटे गोटे हाफ इंच रे मार्क दबा मार्क दे के प्लीटा पाई सेप कर दबा इन सेप कर दबा प्लीट में मार्क दे देले एबे हमकर बैक साइड रे मार्क दिया सरी गेला एबे कोन करे ए मार्क अनुसार कटिंग कर दबा ए कपड़ा सब उठे दबा साइज है पके कि ये जो गार दिया है सामान पे कि ये बे आपको काट दबा कि काट ले इन बे साइज हो जाए कि पिन मार दबा यदि बे साइज हो जी पिन मार के काट ले साइज हो साइज ही गेला ये बे कौन करे हाफ इंच ऊपर को मार दबा हाफ इंच रखी गोटे मार्क दे देले मार्क दे के एमती कौन करवा ये प्लीट सहित मिसाई दबा मिसाई देले कौन करे काटि दबा बैक साइड कटिंग सहीगला एबे कौन करे फ्रंट पार्टा कटिंग कर फ्रंट पार्ट कटिंग करबे आमे बैक साइड जति के नेथिले चौड़ाटा ताटू गोटे इंच अधिका नबा अधिका ने कि कपड़ा को 2 फोल्ड मु कर देली एबे कपड़ा बंका अछि ताको सीधा करे पई गोटे गार्ट टाइम दबा गोटे गार्ट टाइम देले एबे जो बैक साइड कटिंग करथले ताको आनके आ ऊपर पकेबा एठी कोन करिया आमे हाफ इंच रे गोटे काजा पट्टी पई कि हाफ इंच रे गोटे गार्ट टाइम दबा हाफ इंच छाड़ देले छाड़ी दे कि एबे कोन करे बैक साइड टा पकेबा बैक साइड पके बैक साइड जति कि लंब थिबो आमे कोन करबा हाफ इंच अधिका नबा पूरा एठू हाफ इंच अधिका नबा बैक साइड थे हाफ इंच अधिक ना हाफ इंच गोटे सीधा भाव गार टाण दे गार टाण दे मिसे पकईदे ये मार्क देदे काखर मार्क देदे ये गोटे मार्क देदे ये भी मार्क देदे कौन कर बैक साइड टा उठेद आम बैक साइड जो गोटे इंच अधिका नहीं थे आम तो से अधिका काटिदेले जो बेकर सेप होता से आम मार्क देले मार्क दे के गोटे गार टाण दे देख ये लंब के मापीद आमर 14 रहा कथा टी अधिका हो जाए मार्क देदे आ गए गार टाण दे गार टाण दे साढ़े छः जो उठी मार्क देद साढ़े छः अनुसार आम मार्क देदे एवं कौन कर अढ़े इंच जो गलार चौड़ा अढ़े इंच रे मार्क देद गलार लंब नवा साढ़े छः इंटे मार्क देदे एमती अढ़े इंच रे गोटे गार टाण दे चौड़ा टाइम दे अढ़े इंच गोटे गार टाण दे बक्स बनईदे कौन कर सेव करदे सेव करदे गार टाइट जो देखे टाणीदे एवं कौन कर भि पट्टी बाहर करवा बस्ट पॉइंटा बाहर करवा आमर हूँ छाती हूँ 36 अपर चेस्ट 36 फुल बस्ट हूँ फुल चेस्ट हूँ 38 38 साढ़े नौ हम साढ़े नौ साढ़े नौ कौन कर हाफ इंच प्लस करोटे पॉइंट दबा एपटे भी मार्क जानदे एपट 4 इंच रे गोटे 4 इंच रे गोटे पॉइंट दे एक तो 4 इंच एमती ना 10 इंच कौन करिया भी पट्टी कटिंग करवा आम ये बस्ट पॉइंट देदे एवं कौन कर भी पट्टी कौन करवा पूरा ये जो मार्क देचे से मार्क 3 इंच रे गोटे मार्क दबा
3 ইঞ୍চ, ଏପଟେ କ'ଣ କରିବା 2.5 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ ମାର୍କ ଦେଇଦେବା। ମାର୍କ ଦେଇକି ଏମିତି ଗାର ଟାଣିଦେବା, ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଦେଲେ ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ଲିଟ୍ ଦେବା, ସେଇ ସିଧାରେ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଦେବା। ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ 1 ଇଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଅଧିକା ନେଇଥିଲେ ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁକି, ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ସେଇ 1 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲିଟ୍ ପକାଇଦେବା। ଏପଟେ 1/2 ଇଞ୍ଚ, ଏପଟେ 1/2 ଇଞ୍ଚ, 1/2 ଇଞ୍ଚ ଗୋଟେ ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଇଦେଲେ, ଏପଟେ 1/2, ଏପଟେ ଗୋଟେ 1/2 1/2 ମିଶିକି 1 ଇଞ୍ଚ ହେଇଗଲା। 1 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲିଟ୍ ପକାଇବା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, କାଖର ସେଭ୍ କରିବା। କାଖର ସେଭ୍ କରିବା ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟରୁ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା 1 ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ ଆଣିବା, ଭିତରକୁ ଆଣିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଦେବା, ଏମିତି ମିଶାଇଦେବା। ମିଶାଇଦେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ଗୋଟେ ମାର୍କ ଦେବା, ମାର୍କ ଦେଇକି ଏକରେ ସେଭ୍ କରିଦେବା। ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ପାଇଁକି ଏ ହାତର ସେଭ୍ କରିଦେଲେ, ତା'ପରେ କ'ଣ କରିବା ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଇଛେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ସିଧା ଅନୁସାରେ 1 ଇଞ୍ଚ 7/5, 1 ଇଞ୍ଚ 7/5 ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେବା। ମାର୍କ ଦେଇକି ସେଇ ସିଧାରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲିଟ୍ ପକାଇବା। ଏପଟେ କ'ଣ କରିବା 1/2 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲିଟ୍ ପକାଇବା। ତା'ପରେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଭି ପଟି ଠାରୁ 1 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଦେଇଦେବା, ଏ ପଏଣ୍ଟ ଠାରୁ 1 ଇଞ୍ଚ 7/5, ଏଠି ମାର୍କ ଦେଇଦେଲେ 1 ଇଞ୍ଚ 7/5, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଦେବା। ଏଠି ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଦେଲେ ଏଠି ସେମିତି 1/2 ଇଞ୍ଚରେ, 1/2 ଇଞ୍ଚରୁ କମ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲିଟ୍ ପକାଇବା। ଏଠି ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ ଦେଲେ 3ଟା ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରେ, ଏଇ ଯେଉଁ କାଖର ମଝିରୁ ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ଏଠୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଠାରୁ 1 ଇଞ୍ଚ 7/5 ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ମାର୍କ ଦେଇଦେବା। ମାର୍କ ଦେଇଦେଇକି ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପ୍ଲିଟ୍ ଦେବା। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲିଟ୍ଟା ଦେବା, ଆମର ଛାତି ହେଉଛି 36 ଥିଲା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍, ଏଇଟା ହେଉଛି 38 ହେଲେ 9.5, ଏଠି 9.5ରେ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି, ଏଠି 9.5, 9.5 ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଅଧିକା ନେଲେ ଏଠି ଅଛି 2 ଇଞ୍ଚ, 2 ଇଞ୍ଚ ଆମେ 1/2 ଇଞ୍ଚ କ'ଣ କଲେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁକି ନେବା, ଆଉ 1.5 ଇଞ୍ଚ ରହିଯିବ ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ଏବଂ କଟିଂ ମାର୍ଜିନ୍, 1.5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ସେମିତି 1.5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଦେଇଦେବା, ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି ଗାର ଟାଣିଦେବା। ଆମେ 1.5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଦେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, 1/2 ଇଞ୍ଚରେ ପୁରା 1/2 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲିଟ୍ ପକାଇବା। ଆମର ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା 1, 2, 3, 4, ଆମର 4 ପ୍ଲିଟ୍ ଦିଆହେଇଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, କାନ୍ଧର ସେଭ୍ କରିବା। କାନ୍ଧର ସେଭ୍ ପାଇଁକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 1/2 ଇଞ୍ଚ ଡାଉନ୍ କରିକି ମାର୍କ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଏଇ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ କଟିଂ କରିଦେବେ। ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଭି ସେପ୍ ପାଇଁକି, ଭି ସେପ୍ ପାଇଁକି ଆହୁରି କ'ଣ କରିବା, ଟିକିଏ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଅଧିକା ବଢ଼େଇକି ଭି ପଟଟା ଭଲ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ଉପରକୁ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଟେକିଦେବା। ଟେକିଦେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ କଟିଂ କରିଦେବା। ଆକୁ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଫେରେ ସାଇଜ୍ ଭାବରେ ଏମିତି ପକାଇ ଦେଇକି, ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି ମାର୍କେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ ମାର୍କେକୁ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା। ଯେଉଁ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ଡିପ୍ ଭାବରେ ଦେଇଦେବା। ଯେଉଁ ଝାପ୍ସା ମାର୍କ ହେଇଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାର୍କ ଦେଇଦେବା। ଏ ମଝି ପ୍ଲିଟ୍ଟା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ କଟିଂ କରିବା ମଝିରୁ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଭି ପଟିଟା କଟିଂ କରିଦେବା, ସାଇଜ୍ ଭାବରେ ରଖିଦେବା, କରିଦେବା, ପୁରା ସାଇଜ୍ ଭାବରେ ହେଇଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଭି ପଟିଟା କଟିଂ କରିଦେବା।
ये जो प्लीटा पकाई सारा सिलई समय प्लीटा पकाई सारा पर एठिया को मझीर कटिंग करवा एबे आम सिले आरंभ करवा जो मार्क देचे प्लीट पैंकि प्लीट गुराक सिलई पकईदे प्लीट अनुसार आम सिलई पकईदे आमर कैप भी रेडी होगा। एबे कौन करिया एमती टू फोल्ड कर दे कि समान भाव टू फोल्ड कर दे कि मझीर काटिदे जो मझीरे जॉइंट अच्छी तो काट दबा पूरा साइज भाव में पकई दबा साइज कर दबा साइज कर काट देले। एबे कौन करिया आम जो भी पट्टी काट थेले भी पट्टी जो काट थेले ताको एबे जॉइंट करिबा भी पट्टी भी मझीरु काट दबा जॉइंट अच्छी एटा बंधा साइड अच्छी जॉइंट अच्छी ताको मझीरु काट दबा एटा उल्टा पट अच्छी एपटे भी उल्टा पट अच्छी एटा टिके मार्क दे दबा उल्टाटा। एबे कौन करिया आमे जो प्लीट पकई सारे भी पट्टी जॉइंट करिया भी पट्टी जॉइंट करेंगे ऊपरटा सीधा पट एटा भी सीधा पट सीधा पट को सीधा पट रखिक समान भाव एमती सिलई पकईद सिलई पकईद पूरा साइज में जॉइंट कले जॉइंट करके सिलई पकईद भी पट्टी जॉइंट करदे एपट साइड जॉइंट करदे एपट साइड भी जॉइंट करदे एबे सुंदर देखा जाए कि आप दुईटा चाप सिलई पकईद चाप सिलई पकईदे एपट पकईदे एपट भी पकईदे एबे काजपटी बटम पटी लगे एपटे आमर कौन करवा ये आम दुई इंच चौड़ा दुई इंच चौड़ा दुईटा कपड़ा काटी गोटे काजपटी कर गोटे हुकपटी कर आमर एपट हूँ हुकपटी एपटे कौन करवा दुई इंच चौड़ा गोटे कपड़ा लगेद एपटे लगा हम काजपटी कपड़ा को दुई इंच चौड़ा मुझे काटिदे तो सामान भाव जी लंब अच्छे से लंब अनुसार नहीं जाइए तो क्या रखिक गोटे सिलई पकईद ये जेहेतु काजपटी अच्छी एपटे कौन कर उल्टा पटे कौन करवा लगे उल्टा पटे रखिकी आर सीधा पटे रखिकी सिलई पकईवा गोटे सिलई पकईदेली एवं ताको लौटे दबा नखरे प्रेस कर दबा नखरे प्रेस कर देगी अल्प किछि भांगी देगी कपड़ा ता ऊपर एमती मोड़ी सिलई पकईद मुझे गोटे सिलई पकेली पाखरे आ गोटे सिलई पकईद आ गोटे सिलई पकईदे यहाँ मजबूत हवा सहित सुंदर भी देखागला आम काजपटी लगेदे एवं हुकपटी लगे एपट पटे हुकपटी लगे सेपटे उल्टा पटे जॉइंट करते एपटे कौन करवा आर सीधा पट को रखिक जॉइंट करवा जी लंब अच्छी से अनुसार कपड़ा रखिक काटिद कपड़ा काटिदे एवं आर करटा सिलई पकईद प्रथम करटा सिलई पकईदे तापर ऊपर रखिक सिलई पकईद ये सिलई पकईदे जो अधिका जो कपड़ा रही काटिद सैज भाव आउर कौन कर गोटे चाप सिलई पकईद आउर गोटे आउर गोटे चाप सिलई पकईद आमर हुकपटी लगेगा काजपटी भी लगेदे हुकपटी जो लगे जॉइंट कले आउर गोटे सिलई पकई आपको हेम कर नचे आ गए सिलई पकईद गोटे सिलई पकईदे हुकपटी काजपटी लगेदे साइज करदे जो अधिका अच्छे कपड़ा आम जॉइंट कले साइज भर काटिद फ्रंट पार्ट से सिलई करदे एबे बैक साइड के आसवा बैक पार्ट रे आम जो प्लीट पैंकि देखे डीप भाव में मार्क देदे डीप भाव में मार्क देदे कौन करपट लौटे नहींक थापीद झापसा देखा डीप भाव में मार्क देदे डीप भाव में देदे आम कौन कर सिलई करने समय आ भूल हेनी
प्लीट दे देले एबे प्लीटटा पकाई देबा एन मझीरु धरिबा मझीरु धरिके एपटे हाफ इंच सेपटे हाफ इंच रे प्लीटटा पकाइबा प्लीट पकाई देले एबे कोन करिया फ्रंट पार्टटा जॉइंट करिबा एपट कांधटा जॉइंट करदे एपट कांधटा जॉइंट करद दीटा कांध जॉइंट करदे एबे डबल पकईद कांध जॉइंट करदे एबे कलर पाई मापिबा साइज हे पकईदे कांध सिलई ठारु आम कौन करिया तीन इंच तल को मार्क दबा ये मार्क दे से मार्क ठारु इन टेप टाइम बुल की मापी दबा आमर 6 इंच आसछि 6 इंच 6 इंच हेले आरे डबल हेले 12 इंच आम एबे 12 इंच रे कलर करिबा एठी जें जोड़े चिन्ह देले एपर सेमती लोटे की चिन्ह दे दबा आम कलर पई मापिले 6 इंच हेला 6 रो डबल हेले 12 इंच मुँह एबे कोन करछि कलर पट्टी गोटे आनछि 12 इंच रे हमर कलर दरकार 12 इंच हाफ रे पूरा 12 इंच हाफ नेली कलर पट्टी एबे कोन करया गोटे साइज करद मजूर भांगी दबा मजूर एमती भांगी देकी एमती गोल गोल बनईद मार्क जो दे मार्क अनुसार कटिंग करद पूरा साइज हे धरवा साइज करदे आम यदि गोटे इंच रे कलर चौड़ा कलरटा करवा चौड़ाटा जदि गोटे इंच रे करिया चाहिए गोटे इंच रे करवा जदि आपको सरु करिया चाहिए आ उपर गोटे मार्क देके काटी दबा मु चाहूची गोटे इंच रे न करिकि केते टेप रे मापी दबा ये गोटे इंच टू अधिका अछि किंतु आम गोटे इंच रे कलर करवा जो गोटे इंच जो अधिका रहिला ता कोन करे मार्क दे दबा इन मार्क दे देकि काटी दबा सेतिक अधिका जेतिक रहइबो त काटि देबा आमे गोटे इंच रे कलर ते काटले आकु आउ टिके सेव कर दो कलर पट्टी रेडी कर देले एबे कपडा रे पकेबा लंबा भाव रे कपडा को टू फोल्ड कर देबा मापी देले कलर ठे अधिका अच्छे हाफ इंच अधिका अच्छे से अनुसार साइज हे काटी देबा आरी ऊपर कौन करवा जो कलर काटी थी तो कौन कर कपड़ा रे पेस्ट कर दे आयरन दे दे कौन कर कपड़ा टा एमती दुई भांग कर देबा दुई भांग करके करे करे सिलई पकई देबा लौटे दे लौटे दे करे करे पूरा आ गोटे सिलई पकईद अल्प किसी छाड़ी ये जो जॉइंट अधिका जो कपड़ा अच्छी ताकू छाड़ी यू सिलई करवा पूरा कलर रे सिलई करवा जी आम कलर पट्टी अच्छी तारी ऊपर सिलई पकवा करे करे सिलई पकईदे साइज हे कांध को कांध जॉइंट करके आर मिडिल पॉइंट रे मार्क दबा मिडिल मार्क देले ये मिडिल जो मार्क देले कलर सेमती एमती दुई भांग कर दबा दुई भांग करके मिडिल गोटे मार्क दे दबा मिडिल जो मार्क देली से मार्क मिसेकी आपको आल्प काटिद सरुआ करद सरुआ करपर जॉइंट करवा मार्क दे दे सिलई जी कपड़ा दरकार से रखिक अवशिष्ट जो अधिका रही काटिद सैज भाव काटिदे मार्क भी दे दे मिडिल पॉइंट
एबे कोन करा ब्लाउज से जॉइंट करिया पूर्व आ उल्टा पटे आकू जॉइंट करिबा। उल्टा रखि देले उल्टा पटे यार मिडिल पॉइंट जो मार्क देछि मिडिल पॉइंट रे मार्क देके आकू सिलाई करिबा। एपट फाल सिलई कर देले एपट फाल से सिलई कर दबा। एकदम जॉइंट कर देले एबे कौन करिबा एटा उल्टा पटे जॉइंट करले एबे सीधा पटे रे एटी से कट दे दबा। जोटी बक्रम जॉइंट हैला सीटी कट दे दबा। इतर एमती रखिकी कपड़ा टा किंतु भांगी दबा भांगी देके ता ऊपर चाप सिलाई पके दबा इन साइज रे भांगी दबा कलर टा साइज रहला ता ए करे करे सिलाई पके दबा। क्रॉस पट्टी काट दबा नखरा को प्रेस कर देले एबे आ ऊपर उठे चाप सिलाई पके दबा। चाप सिलाई पके देला कि मोड़ी की हेम कर दबा साइज भाव हेम कर दबा। आर पटा क्रॉस पट्टी जॉइंट कर देले एपटे क्रॉस पट्टी जॉइंट कर दबा। जो अधिका कपड़ा से काट दबा साइज भाव बेकटा हेम सिलई कर देली एपटे भी हेम सिलई कर देली। आमर कलर लगा सरी गला एबे हाथ लगेबा आम काजपट्टी बटम पट्टी लगे सारी तर हाथ भी मुझे लगे दे हाथ लगे मुझे वीडियो देखेली कारण मो चैनल बहुत सारा हाथ लगे देखी यदि हाथ लगे देखा चाहती तेल मो चेल को जाके देखिपर एवं कौन कर सैट सिलई पकईद अंटा पट्टी जोड़ा पूर्वर अंटापटी आम ए लगे जोड़ा पूर्व फास्ट कौन करवा सैट्रे गोटे एम सीधा पटे गोटे सिलई पकईद एपटे सिलई पकईद एपटे भी साइज करके सिलई पकईद एपटे पकेबा एपटे पकेबा साइड सिलई पकईद दि साइड सिलई पकईदे एपट साइड सिलई पकईले एपट साइड सिलई पकईदे एवं मुझे अंटा पट्टी रेडी कर देखा पकेबा मु अंटा पट्टी रेडी कर देखिए देढ़ इंच चौड़ा अच्छे एवं घर अंटा पट्टी जॉइंट करवा। अंटा पट्टी फास्ट गोटे साइड एमती मोड़ी सिलई पकईद अंटा पट्टी रेडी कर करदे गोटे पट सिलई पकईदेली एवं कौन कर ब्लाउज जॉइंट करवा सीधा पटे यहाँ सीधा पट सीधा पटे कौन कर अंटा पट्टी रखा ब्लाउज सीधा पट अंटा पट्टी भी सीधा पट ताको मिसई केमती रखा फास्ट एमती टिके मोड़ी दबा मोड़ी देकि सिलई करवा। अधिका बळिकि त काटि दबा जॉइंट कर देले एबे आ उपरे कंगरा गोटे चाप सिलई पकेबा जॉइंट कर सला पर चाप सिलई पकेबा। चाप सिलई पकेले हमर सिलई जॉइंट मोटा मजबूत हवा सहित फिनिशिंग भी भल आसे। ए बळिकि कपड़ा ताको एमती भितर मोड़ी दबा अंटापटी आम लगेदे चाप सिलई पकईदे एवं कौन कर भितर के मोड़ी हेम सिलई करदे आम सीधा पटे दि साइड सिलई पकईदे एपटे सिलई पकईदे एपटे एमती सिलई पकईदे एवं कौन कर लौटे दे बटम पटे हुक पटी पाखे कौन कर पिन मारदे आपको कौन कर लौटे दे ब्लाउज को मुझे लौटेदेली एवं माप अनुसार कौन कर फिटिंग मार आमर माप थिला आमर कमर थिला 31 आउ फुल चेस्ट 38 अपर चेस्ट 36
এই 36 রে মারিবা এবং কমর 31 রে মারিবা ফুল চেস্ট রে মাপ করি মারিবা নে ফার্স্ট কম করিবা কমর মাপি দবা টোটাল কত আছে টোটাল আছে 37 37 আমার 31 দরকার আমি কম করে হাফ ইঞ্চি লুজিং রাখি কি 32 রে মারিবা তেন 16 ইঞ্চি রে মারিবা 16 ইঞ্চি রে তার ডবল হলে 32 এ গোটে ইঞ্চি 2 ইঞ্চি অড়ে ইঞ্চি আমার অড়ে ইঞ্চি রহিলা নি অধিকা সে অড়ে ইঞ্চি কম করে দুই ভাগ করে দবা ইয়ে আছে দুই অড়ে ইঞ্চি গোটে ইঞ্চি 2 ইঞ্চি হাফ তা কম করে দুই ভাগ করে দবা দুই ভাগ করি কি এমনি মজুর টেপ ভাঙ দেলে যেতি হলা গোটে ইঞ্চি 2 সুত তা কম করে গোটে ইঞ্চি 2 সুতরে এটি মার্ক দবা এপটে গোটে গোটে ইঞ্চি 2 সুতরে মার্ক দেলে এপটে সেমতি গোটে ইঞ্চি 2 সুতরে মার্ক দবা এটি মার্ক দেলে কারণ আমি সিধাপটে দুই সুত অনুসারে সিলাই মার দিয়েছে তেমন সেই কমি গেলে আমার দেড় ইঞ্চি রহবা কথা দেড় ইঞ্চি নরি গোটে ইঞ্চি দুই সুতরে রহলা তারপরে চেস্ট মাপি দেওয়া আমার অপর চেস্ট 36 টোটাল এখানে মাপি দেওয়া কেতে অছি আমার রহলা নি 21 21 রে ডবল হয়ে গেলে 42 আমার কিন্তু রহা দরকার 36 36 যে আর হাফ ইঞ্চি লুজিং পাই রাখিবা তারপরে 36 18.5 রাখিয়া 18.5 পরে আমার আউ কেতে রহিলা অধিকা গোটে ইঞ্চি 2 ইঞ্চি অড়ে ইঞ্চি আমার অধিকা রহিলানি 21 আছে অড়ে ইঞ্চি যেমন রহিলা অধিকা তাকে অড়ে ইঞ্চি দুই ভাগ করতে কেতে আসছে গোটে ইঞ্চি 2 সুত এটি সেমতি গোটে ইঞ্চি 2 সুতরে মার্ক দিয়ে দেবা এপটে সেমতি গোটে ইঞ্চি 2 সুতরে মার্ক দিয়ে দেবা এ পয়েন্ট এ পয়েন্ট সিধা ভাবে গার টান দেবা তাহলে আমার হাতের মাপ মু নেই নথিলি কিন্তু হাতের মাপ আছে 11 11 অধা হলে 5 ইঞ্চি হাফ 5 ইঞ্চি হাফ আর লুজিং পাই আমি 2 সুত রাখিবা এরে মার্ক দেলে এই যে মার্ক তিনটা যক তিনটা যে মার্ক দেলে এবে কম করিবা সিধা ভাবে এমতি হাতটাকে টিকে বঙ্কাই দেবা এমনি সিধা ভাবে বঙ্কাই দেখি এমনি গোটে স্কেল পকাইকি গাল টান দেবা পুরা হাতটাকে পুরা সিধা এমনি বঙ্কাই দেবা আর ভিতর এমনি রখিদেবা সিধা পুরা এ লাইন এ পয়েন্টে এ পয়েন্টে এ পয়েন্টে যেমনি সিধা ভাবে রহব সেই অনুসারে এমনি স্কেলটা পকাই দেবা তারপরে মার্ক দিয়েদেবা এপটে যেমনি মার্ক দেলে সেপটে সেমতি মার্ক দিয়েদেবা দুই পটে যাক মার্ক দিয়েদেলি এপটে মার্ক দিয়েদেলি এপটে মার্ক দিয়েদেলি সেই মার্ক অনুসারে সিলাই পকাইদেবা আমি দুই সাইডটি সিলাই পকাইদেলে এপট সাইড সিলাই পকাইদেলে এপট সাইড সিলাই করেদেলে এবার আর কঙ্কিটা লৌটাই দেবা আমার দুই সাইডটি ফিটিং মারিদেলে আমার ব্লাউজটা তৈরি সম্পূর্ণ হয়ে গেল হাফ কলর যে তৈরি করাটা আমি শিখিগলে যদি আপনার এই ভিডিওটি ভালো লাগুথায় নিশ্চয় সাং মান সহ সেয়ার করবে গোটে লাইক নিশ্চয় করবে যদি মো চ্যানেলকে সবসক্রাইব করি না নিশ্চয় সবসক্রাইব করে দিও যাহাদ্বারা কি যে ভিডিও অপলোড করবি আপনার সর্বপ্রথমে দেখবে আউ গোটে মোর অনুরোধ নিশ্চয় কমেন্ট করে জনাত রহুছি বাই।